नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को एन टी पी सी तीस दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जी के और जी एस के जिसमें से चालीस क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मैं पैंतीस हु बहू सेम क्वेश्चन का आपका सोलूशन लेकर आया हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग तो को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न तो आज का पहला प्रश्न है केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों की में निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी तो इसका तो जो सही जवाब हो जाएगा बजट सत्र उन्नीस सौ इक्यानवे से बानवे के बीच में दी थी ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर लेकिन उसका कुछ डिटेल आप लोग यहाँ पे जो दिया है उसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा ठीक है अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा इसलिए आप लोग तो उसको पढ़ लीजिएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर तो अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था क्वेश्चन नंबर दो तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था कब दिया था सन 1927 में दिया था ठीक है इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कई महाविस्फोट सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी जो है महाविस्फोट का सिद्धांत है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या है मछी किसकी कृति है तो ये किसकी कृति है शूद्रक की है किसकी है शूद्रक की है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे तो इसका तो सही जो सही जवाब था बर्मिंग इंग्लैंड में होंगे कहाँ होंगे 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो बर्मिंग इंग्लैंड में होंगे ठीक है और 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कहाँ पे गोल्ड कोस्ट में ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है दास वंश की स्थापना किसने की है तो दास वंश की स्थापना आप लोग को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है ठीक है इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है और इसके जो टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290 सौ ईस्वी तक था ठीक है आप लोग और शासन जो हुए हैं दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो आया था ओ सी डी का मुख्यालय कहाँ है तो इसका जो मुख्यालय है ओ ए सी डी का पेरिस फ्रांस में है कहाँ पर है पेरिस फ्रांस में है ओ का फुल फॉर्म क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और जो इसका स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को हुई थी ठीक है इसके सदस्य देश कितने हैं सैंतीस देश हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो था किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है एक क्वेश्चन आया था किस योजना को गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है तो इसका जो सही जवाब हो जाए प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है ठीक है उसको लॉन्च कब किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है रिपब्लिक कौन सी पुस्तक रिपब्लिक पुस्तक की लेखक कौन है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्लूटो है कौन है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लूटो हैं और इसको कब लिखा गया था तीन सौ पचहत्तर बी को इसको लिखा गया था ठीक है अगला प्रश्न है देख लीजिए आप लोग पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो पंद्रहवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एन के सिंह हैं ठीक है पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है एन के सिंह है इनका जो कार्यकाल है 2020 से दो के बीच में रहेगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आप लोग जो नीचे डिटेल दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिए वो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे रही है और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करिए ठीक है और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है 1912 में भारत के जनरल गवर्नर कौन थे ठीक है तो ये थे चार्ल्स हार्डिंग कौन थे चार्ल्स हार्डिंग इनका जो कार्यकाल था 13 नवंबर 1910 से 14 अप्रैल 1916 तक था चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं जो पर्वत होता है हमारा उसके जो डाउन फील्ड को हम लोग अभिनति कहते हैं क्या कहते हैं अभिनति कहते हैं और जो उसको उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं अपनति कहते हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न था अगला प्रश्न आपसे पूछा था बेरिंग जो जल संधि है किस महासागर को अलग करती है तो बेरिंग जो जल संधि है हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आप लोग नीचे और संधियाँ जो दी हैं उसको भी पढ़ लीजिए जैसे यहाँ पाक जल संधि है सुंडा जल संधि है मलक्का जल संधि है इन सबको भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है ये क्वेश्चन देखिए कल भी पूछा गया था आज भी पूछ लिया है रिपीटेड क्वेश्चन है तो इन आप लोग जान लीजिए छः राज्यों में विधान परिषद है कौन कौन से राज्य हैं आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद है। इसके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो हो रहा होगा वो नहीं होगा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कौन सी उपधातु है आपको बताना है इन चारों में से मतलब जो ऑप्शन में रहा होगा उसमें उसमें से आपको बताना था उसमें से कौन सा उपधातु है मैं आपको सारे उपधातुओं को बता देता हूँ तो उपधातु एक है बोरान है सिलिकॉन है जर्मेनियम है आर्सेनिक है एंटीमनी है और टेलोरिनियम है कौन है बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी और टेरोलियम है कभी कभी आपसे ये पूछता है कि पेरिक टेबल में कितने उपधातु हैं तो आप लोग देख लीजिए कितने उपधातु धातु हैं तो टोटल उपधातु कितने हैं छः हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है जोजिला सुरंग किसको जोड़ता है तो जोजिला सुरंग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले से शोवनमर्ग और दास शहरों के बीच हिमालय में जोजिला पास के तहत चौदह दशमलव दो किलोमीटर लंबी सुरंग है ठीक है और ये कहाँ पे है यह है हमारे कारगिल जिला जो लेह में पड़ता है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है तो दो दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में है और जो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है आप लोग देख लीजिए नीचे गुलमर्ग है केजिंग है किश्तावार है शलीम अली नेशनल पार्क है ये सब भी जम्मू कश्मीर में ही है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो है भगवान महावीर का बचपन का क्या नाम था तो उसको जो भगवान महावीर थे इनके बचपन का नाम महावर्धमान था कहा था वर्धमान ठीक है इनके अन्य नाम भी थे क्या था वीर था अतिवीर था वर्धमान था ठीक है और सम्मति है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था तो निपाह वायरस भारत के केरल राज्य में फैला था और यह वायरस 2018 में फैला था कब फैला था 2018 तो में ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध और विवाद में संबंधित कौन सी समिति नहीं थी तो इसमें आपको बता देते हैं ये चार समितियां हैं पहला दूसरा और तीसरा ये केंद्र और राज्य के बीच विवाद सुलझाने के चार आयोग गठित किए गए थे इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वो नहीं रहा होगा ठीक है तो इसमें कौन कौन सी जो समितियां हैं एक है प्रशासनिक सुधार आयोग एक है राजमंडार आयोग तीसरा है भगवान सहाय समिति और चौथा है सहकर सरकरिया आयोग उन्नीस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया इसको आप लोग नोट कर दीजिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो है पॉलीथीन किस से मिलकर बना है क्या है पॉलीथीन किससे मिलकर बना है तो पॉलीथीन जो होती है एथिलीन का पॉलीमर होता है ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है सी टू एच फोर का होल टॉयच इंटू एन इसका एक चैन होती है उसी से मिलकर पॉलीथीन बनती है ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन था तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था तो तेलंगाना राज्य का गठन दो जून दो को हुआ था आप लोग और राज्य को देख लीजिए जो अरुणाचल प्रदेश और गोवा मिजोरम का जो गठन हुआ था उन्नीस को हुआ था मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का जो हुआ था उन्नीस को हुआ था ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न था दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है तो इसका तो सही जवाब था दक्षिण अफ्रीका की जो कार्यपालिका राजधानी है वो पिटोरिया है क्या है पिटोरिया है और राजधानियां है आप लोग इसको देख लीजिए विधायी राजधानी न्यायिक राजधानी केप टाउन आदि है इसको आप लोग देख लीजिए ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल इज़ वाट इज़ द काइंड ऑफ कंप्यूटर डिवाइस तो जिसमें ट्रैक बॉल होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है आपसे ये पूछा था जो ट्रैक बॉल होती है वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है आप लोग देख लीजिए जो हमारी कीबोर्ड होती है माउस होती है जॉयस्टिक होती है और ट्रैक बॉल होती है लाइट पेन होती है टच स्क्रीन होती है डिजिटल कैमरा होता है स्कैनर बार कोड रीडर डिटर टेबल ओ सी आर ओ एम आर आई एम सी आर ये सब हमारे क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस होती हैं ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो था असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है तो ये देखिए अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था तो ये जो है ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु इसका नाम है इसे और नाम से जानते हैं ढोला सदिया सेतु भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि जो असम के ढोला जिले से और अरुणाचल प्रदेश के सदिया ज़िले को जोड़ती है ठीक है और इसकी जो लंबाई है नौ दशमलव वन पाँच किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न था ई साथी योजना क्या है तो ई साथी योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ देने के लिए ई साथी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई थी तो ये क्या है ये एक प्रकार की ऑनलाइन पोर्टल है ई साथी योजना किस राज्य की है उत्तर प्रदेश की है और इसका जो शुरुआत हुआ था तीन फरवरी 2020 को हुआ था चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न था भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है तो इसका सही जवाब था अप्सरा भारत का जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था वो है अप्सरा और इसका जो मतलब इसको कब बनाया गया था चार अगस्त उन्नीस को इसको बनाया गया था और कहाँ पे था ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे बॉम्बे की परिसर में ही ये अप्सरा रिएक्टर है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपसे पूछा था डी का फुल फॉर्म क्या है डी एच का डी का जो फुल फॉर्म है डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ्रिग्रेशन प्रोटोकॉल ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपसे पूछा था कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है तो कर्नाटक जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक के कहाँ से होता है कोलार वहाँ पे एक कोलार है वहाँ स्थान है वहीं से सबसे ज्यादा सोना निकलता है आप लोग और देख लीजिए जो है सिल्वर सफिंदा कहा निकलता है राजस्थान से और कॉपर जो हमारा तांबा होता है मध्य प्रदेश निकलता है आयरन जो आयरन मैगनीस क्रोमाइट निकिल बॉक्साइड ये सब उड़ीसा से निकलते हैं सबसे ज़्यादा ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न था बारदावली आंदोलन से कौन संबंधित है तो बारदावली जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था जून 1928 को गुजरात में हुआ था यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था कौन सा आंदोलन था एक प्रमुख किसान आंदोलन था और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे कौन कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में दिया था ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो था दो हजार क्वेश्चन था दो में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी थी तो उसका जो तो सही नाम था आई आर एन एस एस या नेविक नेविगेशन विद इंडियन Concert, था क्या था कॉन्सलेशन ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो था अगला आपसे पूछा था 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आदित्य वन इसरो का एक सेटेलाइट है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपसे पूछा था मेरजी किससे जुड़ा होता है मेरु रज्जो जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्डिनेट ये हमारा जुड़ा होता है ब्रेन किस से किससे जुड़ा होता है मस्तिष्क से जुड़ा होता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जो आया था आपसे पूछा था विच बिलोंग्स टू एनीमे एनीमिलिया मतलब कौन सा इनमें से एनमेलिया समूह से बिलोंग करता है तो उसका तो सही जवाब था क्यूलेक्स मच्छर जो है एनिमिलिया समूह से बिलोंग करता है ठीक है तो यहाँ हमारे चौंतीस क्वेश्चन हूबहू आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे ठीक है तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए अगर आपको उसको पी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर आपको पी मिल जाएगी पी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है धन्यवाद